लेकिन सुजीत ये भी मानेंगे नहीं, इनके भी पांच वचन हैं। जब इनके पांच वचनों का पालन चंदा करेंगे तभी यह सात वचनों का भी पालन कर सकते। तो पांच वचन क्या है सुजीत जी के, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले वचन में क्या कह रहे हैं कि जब से मैं रहूं परदेश प्रिय तन का सिंगार कब हूं नहीं की जय जाना नहीं पर के घर में औ हसी मजाक में भागन ली जय उत सब हो या भले मन मारी प्रिय घर में रहली जय और मैं रहू घर में घर तो प्रतिबंध नहीं मन में लिखली जय। सुजीत जी पहले वचन में कह रहे हैं अगर यह परदेश रहे तो आम अगर पति परदेश रहे तो तनका श्रृंगार स्त्रियों को शोभा नहीं देता, पति ही श्रृंगार देख सकता है और उसको बखान कर सकता है। और अगर पति है घर में और पति का आज्ञा है कि आप यहाँ पर चली जाओ अपने दोस्त इष्ट मित्र के यहाँ अपने घर पर, तभी आप जा सकते हो, बिना इनके आज्ञा के आपको नहीं जाना है। अगर यह घर में है तो यह चीज आप इनके आज्ञा से प्रतिबंधित आपको नहीं है, वह सब कार्य आप कर सकती है, पहला वचन है। दूसरा वचन है कि यह विवाह संस्कार जो संपन्न हो रहा है यहाँ पर पांच लोग साक्षी हैं, जिनके साक्षी स्वरूप यह ब्राह्म विवाह संपन्न हो रहा है, इसको ब्राह्म विवाह कहा जाता है। और वह मंडप में कौन कौन से साक्षी हैं? और साक्षी हमारे तुम्हारे है बीच में श्री भगवान सुदर्शन धारी और साक्षी है अग्नि देव भी दुनिया के लिए जो बड़े उपकारी और मातु पिता गुरु बंधु है साक्षी और साक्षी है ब्राह्मण वेद पुजारी और पंचम साक्षी है ध्रुव जी जब हो रही शादी हमारी तुम्हारी। सुजीत जी कह रहे हैं हमारी तुम्हारी जो है शादी विवाह संपन्न हो रहा है इसमें पांच लोग साक्षी हैं, इस विवाह के गवाही हैं। वह कौन कौन है? एक तो भगवान सुदर्शन धारी यानी भगवान विष्णु, विष्णु वैश्वानर साक्षी। और दूसरे कौन है? भगवान अग्निदेव। ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा दोनों तरफ के ब्राह्मण। और चौथे साक्षी कौन है? बंधु बांधव। और पांचवे साक्षी कौन है? ध्रुव तारा जो रात्रि को आकाश मंडल में विद्यमान रहते हैं। थोड़ा ध्रुव तारा के तरफ ऐसे देख लिया आभास। ये पांच लोग के साक्षी में यह ब्राह्म विवाह संपन्न होने की तरफ जा रहा है, अभी संपन्न नहीं हुआ है क्योंकि सिंदूर दान जब तक नहीं होगा तब तक यह संपन्नता स्वीकृत नहीं होगी। तीसरा वचन है सुजीत जी का, क्या वचन है? कि मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्याः सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। तीसरे वचन में कह रहे हैं अरे चित्त हमारे तुम्हारे हो एक से आपस में गहरी हो मिताई अमोद प्रमोद विनोद बढ़े एक दूजे की कोई करे न बुराई अवाद विवाद न हो या कभी और प्रेम से बंधन में ही भलाई और धर्म पति व्रत पालो पिए समय ही सादा है तुम्हारी बड़ाई। चंदा जी आपकी बड़ाई तभी है कब है? जब इनके मन के विचारों को आप समझो,
तब चित्त मम चित्ते, इनके मन के अनुसार आपका मन चलना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में तब खटपट नहीं होता, पति पत्नी में प्रेम भी बना रहता है जब पति के विचारों को पत्नी समझे और पत्नी के विचारों को पति समझे। इसीलिए शास्त्र में कहा गया कि दूसरे का कहा सुना कभी नहीं घर में झगड़ा करना चाहिए। पति पत्नी के बीच में दूसरा कोई झगड़ा लगा दे, दूसरा कोई कुछ कह दे, तो उस बातों को सत्य नहीं मानना चाहिए। अपने आप में विचार करके, विचारणीय बना करके तब आगे कोई कदम उठाना चाहिए। चौथे वचन में कह रहे हैं कि आदेश हमारा यही है प्रिय, मेरे मातु पिता की करो सेवकाई, और सुख शांति मिले परिवार को जैसे, सदैव वही करना तू पाई, और धर्म पति व्रत पालन वाली मेरा उपदेश सुनो चित लाई, मंडप में जो हुई है प्रतिज्ञा, न तुम ठुकराओ न हम ठुकराई। यह जो मंडप में प्रतिज्ञा हो रही है, आदेश हमारा यही है प्रिय, मेरे माता पिता जैसे तुम्हारे घर में जो जन्मदाता माता पिता थे, जैसे तुमने आदर भाव अपने माता पिता का किया, उसी तरह से आपके धर्म के माता पिता थे, आपके कर्म के माता पिता, जहाँ पर आप ससुराल में जा रही हो इनको भी माता पिता के तुल्य जब आप आदर करोगी तो सुजीत जी प्रसन्न रहेंगे और आपका भी आदर सम्मान सदा बना रहेगा। तो माता पिता की इनके सेवा आदर भाव रखना, सुख शांत जैसे परिवार में बना रहे, इनके परिवार में जहाँ पर जा रही हो उस परिवार में सुख शांति का उपाय करना, सदा सुख और शांति बनी रहे, भगवान का अर्चन पूजन वंदन करना, बड़ों का आदर भाव सत्कार करना और धर्म पतिव्रत का पालन करना, क्योंकि पत्नी को कहा गया कि एक ही धर्म एक व्रत ने माँ काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के चरणों में जो पत्नी विष्णु भगवान के समान आराधना करती है वह मानती है कि यह विष्णु है, जैसे लक्ष्मी आराधना करती है उस घर में कभी अशांति नहीं होती। इस तरह से चौथा वचन सुजीत जी का है। पांचवा वचन क्या है कि स्वर्णा का हो या भले ही भवन पर सोहत नाही बिना वह नारी, औ कौन हुआ सम हो या प्रिय सब में ही जरूरत होता तुम्हारी। हमारे शास्त्र में कहा गया कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमानाम प्रवर्तते, बिना पत्नी के कोई धर्म कार्य किया गया असफल माना जाता है। जब तक पत्नी दाहिने पधार करके और पति के साथ में प्रसन्नता से उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होती तब तक उस यज्ञ को संपन्नता शास्त्र नहीं कहता। इस तरह से कौन हो यज्ञ न पूरी भई जब से पतनी दहिने न पधारी, और सुजीत विश्वास की पात्र बनो और वामांग में आओ हे चंदा कुमारी। सुजीत जी ने पांचवें वचन में कहा कि इनकी विश्वास की पात्र बनू। देखिए जहां पर विश्वास होता है बिनु विश्वास न भव तरी, तुलसी बाबा ने लिख दिया बिना विश्वास के भाव से भी इस बंधन से, इस संसार के बंधन से भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए पति में विश्वास रखना होगा, और अगर विश्वास हो गया, समर्पण हो गया, सेवा भाव हो गया, आदर हो गया, सत्कार हो गया, पति का सम्मान हो गया, तो वहां पर सुख शांति सदा बनी रहेगी। यह पांच वचन में सुजीत जी कह रहे हैं। आपको स्वीकार है? मुड़ी ला जाए, मान जाए, हाँ ठीक। चलिए अब यह सात वचन कन्या पक्ष से, पांच वचन वर पक्ष से, इसलिए कहा जाता है कि अब कन्या वामांगवी आने के लिए शास्त्र कहता है, अब वामांगी हो सकती है, और जब तक कन्या वर न कहे तब तक वामांगी कन्या नहीं होगी, आगे का कार्य नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आप सिंदूर निकाल लीजिए। कोई लाल वाला दबा दीजिए।